तो फ्रेंड्स आज तारीख हो चुकी है 31 जनवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, आईपीएल ऑक्शन को लेकर और सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 9 बड़ी खबरें और 9 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर आज आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कौन सी 9 बड़ी खबरें और कौन से 9 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो ओवरऑल आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स जो आज 9 बड़ी खबरें निकल कर रही, इनमें जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, आती है आईपीएल ऑक्शन को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि आईपीएल ऑक्शन के लिए यहां पर किसी भी का कोई भी क्वारंटाइन का प्रोसेस नहीं रहेगा। सभी यहाँ पर टीमों के ओनर्स और टीमों के कप्तान डायरेक्टली ऑक्शन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे के रीजन की। तो कल बीसीसीआई ने यह बता दिया है कि यहाँ पर बीसीसीआई ऑक्शन में आने वाले सभी व्यक्तियों को ऑक्शन से दो से तीन दिन पहले वैक्सीन लगा देगी। यानी सभी व्यक्तियों को यहाँ पर वैक्सीन लगा दी जाएगी ताकि COVID-19 का कोई भी खतरा नहीं रहेगा और किसी भी ऑक्शन में आने वाले व्यक्ति को यहाँ पर क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अब यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और प्लानिंग कर ली है कि आईपीएल 2021 का सीजन जो कि भारत में कराया जाएगा, उस आईपीएल से लगभग 10 से 12 दिन पहले सभी आईपीएल में खेलने वाले प्लेयर्स को वैक्सीन लगा दी जाएगी ताकि आईपीएल भारत में कराया जा सके। इवन अब तो ये भी खबर निकल कर आ रही है कि भारत में यहाँ पर 100% कैपेसिटी के साथ, यानी 100% क्राउड के साथ अब हमें आईपीएल देखने को मिल सकता है। तो अब वैक्सीनेशन शुरू होने के कारण अब ऑक्शन और आईपीएल हमें बिना किसी समस्या के देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है आकाश चोपड़ा की तरफ से। दरअसल आकाश चोपड़ा ने यहाँ पर केकेआर की टीम को लेकर, शुभमन गिल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बताया कि शुभमन गिल को अब केकेआर की टीम का वाइस कैप्टन बना देना चाहिए और यहाँ पर केकेआर की टीम को अब शुभमन गिल के इर्द गिर्द अपनी टीम बिल्ड करनी चाहिए ताकि शुभमन गिल इस टीम को 8 से 10 साल चला सके। और यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि केकेआर की टीम को ओपनर में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आईपीएल 2021 के सीजन में शुभमन गिल और उनके साथ टीम शाइपर को ओपनिंग करनी चाहिए और इस टीम को डेविड मलान पर पैसे लगाने चाहिए, ऑक्शन में डेविड मलान को परचेस करना चाहिए। आकाश चोपड़ा ने बताया है कि डेविड मलान का ओयन मॉर्गन की कप्तानी में काफी अच्छा प्रदर्शन रह सकता है, तो यहाँ पर केकेआर की टीम को डेविड मलान को कन्फर्म रूप से परचेस करना चाहिए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप आकाश चोपड़ा के इस स्टेटमेंट से आखिर सहमति रखते हो या फिर नहीं। इसके बाद बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है जय शाह की तरफ से। दरअसल यहाँ पर जय शाह को अब एसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल का अब इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और एशिया में जो भी क्रिकेट होगी, जो भी टूर्नामेंट होगा और इस साल जो एशिया कप होगा, ये सब कुछ अब जय शाह मैनेज करेंगे। यानी जो टीम इंडिया एशिया कप से बाहर होने वाली है, अब ये कन्फर्म हो जाएगा कि टीम इंडिया शायद एशिया कप से बाहर होगी क्योंकि अब जय शाह ही यहाँ पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो हो सकता है इस साल का एशिया कप भी अब दोबारा से कैंसिल हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है ऑक्शन के प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर। दरअसल आईपीएल 2021 के ऑक्शन में हमें अराउंड 350 के करीब प्लेयर्स आते हुए दिखेंगे, जिनमें 100 से 150 यहाँ पर विदेशी प्लेयर होंगे जबकि कुछ इंडियन प्लेयर्स होंगे। और उन 350 प्लेयर्स में से कुल 70 प्लेयर्स ऑक्शन में बिकेंगे, यानी सोल्ड होंगे। और उन प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर बीसीसीआई ने बता दिया है कि 13 फरवरी को बीसीसीआई रिलीज कर देगी कि आखिर कौन कौन से प्लेयर्स आईपीएल ऑक्शन का भाग होंगे, यानी बेस प्राइस के साथ। बीसीसीआई 13 फरवरी को सभी प्लेयर्स की लिस्ट हमें बता देगी, हालांकि कुछ प्लेयर्स के नाम तो उससे पहले ही निकल कर आ जाएंगे। आपको हमारे चैनल पर उन प्लेयर्स के नाम मिल जाएंगे, इसी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। बाकी कन्फर्म रूप से हमारे सामने 13 फरवरी को सभी प्लेयर्स की लिस्ट आ जाएगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप आईपीएल ऑक्शन और ऑक्शन में आने वाले प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है काइरन पोलार्ड की तरफ से। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार कुछ कार एक्सीडेंट की फोटो वायरल हो रही है और ये बताया जा रहा है कि ये जो कार एक्सीडेंट हुई है, काइरन पोलार्ड की कार बताई जा रही है। और कुछ यहाँ पर न्यूज
चैनल तो ये भी बता रहे कि कायरन पोलार्ड की यहाँ पर कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी, इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर दुबई में चल रही T10 लीग में ये हमें खेलते हुए दिखे। ये लगातार अपनी टीम के लिए मैचेस खेल रहे, इवन अपनी टीम की कप्तानी भी करते हुए दिखे है, और कुछ मैच विनिंग इन्होंने इनिंग्स भी खेली है। तो सोशल मीडिया पर ये कायरन पोलार्ड की मौत वाली जितनी भी खबरें फैल रही है या फिर जितनी भी आप फोटोज देख पा रहे होंगे टोटली फेक है। यहाँ पर कायरन पोलार्ड की किसी भी तरीके से मौत या फिर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है, आती है रणजी ट्रॉफी की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई ने COVID-19 के चलते हुए इस साल रणजी ट्रॉफी कराना कैंसिल कर दिया है। इस साल किसी भी तरीके से कोई भी रणजी ट्रॉफी या फिर इसके मैचेस नहीं होंगे, और यहाँ पर 87 यानी 87 साल के इतिहास में हमें पहली बार एक साल में रणजी ट्रॉफी नहीं देखने को मिलेगी। जहाँ पर भारत में पिछले 87 साल से हर साल रणजी ट्रॉफी होती है और काफी सारे यंग प्लेयर्स इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन 87 साल के इतिहास में पहली बार अब हमें रणजी ट्रॉफी नहीं देखने को मिलेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग बीसीसीआई का आखिर रणजी ट्रॉफी कैंसिल करने वाला फैसला सही है या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल को लेकर। दरअसल आज स्टार स्पोर्ट्स पर शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल आप टेलीकास्ट देख सकते हो आज शाम 7 बजे। इससे टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला यानी फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जो कि दिनेश कार्तिक की तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच खेला जाएगा, जहां पर दोनों ही टीमों का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। दोनों ही टीमों ने अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है, तो आज ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा और आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हो। और यहां पर एमआई की टीम के टैलेंट स्काउट पार्थिव पटेल भी इस मैच को लाइव स्टेडियम से देखेंगे, और एमआई की टीम को इन मैचों में से और इस टूर्नामेंट में से काफी सारे प्लेयर्स रिकमेंड करेंगे जिनकी बोली एमआई की टीम लगाएगी, ऑक्शन में उनको टारगेट करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें आठवीं बड़ी खबर की, तो जो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है केकेआर की तरफ से। दरअसल केकेआर की टीम ने अब एमआई के बाद अपना ट्रायल कैंप लगाकर यहां पर उत्तराखंड के ऑलराउंडर दीपांशु नेगी को अपने ट्रायल कैंप में बुलाया, इनका ट्रायल लिया, और यहां पर केकेआर की टीम इनके ट्रायल इनके प्रदर्शन से काफी अधिक इंप्रेस हुई है। और यहां पर दीपांशु नेगी का शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तराखंड के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, जहां पर काफी अच्छा इनका टूर्नामेंट गया था। तो केकेआर की टीम ने भी अब ऑक्शन की तैयारियां शुरू कर दी, एमआई के बाद अब केकेआर की टीम भी यहां पर ऑक्शन की तैयारियों में लग चुकी है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम को भी आखिर अब ऑक्शन की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए या फिर नहीं, और आप अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर हम बात करें नवी और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो नवी और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है आती है इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज को लेकर। दरअसल 5 फरवरी को इंडिया और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, और आप स्टार स्पोर्ट्स पर यह मुकाबला लाइव देख सकते हो। और अब स्टार स्पोर्ट्स ने अनाउंस कर दिया है कि कुल 5 लैंग्वेजेस में यह मुकाबला टेलीकास्ट किया जाएगा, 5 लैंग्वेजेस में कमेंट्री करी जाएगी। अगर हम बात करें उन 5 लैंग्वेजेस की या फिर आपको बताएं कि आखिर कौन कौन सी 5 लैंग्वेजेस में आप ये मुकाबला देख सकते हो, आप ये कंप्लीटली सीरीज देख सकते हो, तो स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, इसके साथ ही इंग्लिश में, इसके साथ ही कन्नड़ और तमिल और तेलुगु में ये पूरी सीरीज टेलीकास्ट करेगा। और आईपीएल के समय में तो आईपीएल और आईपीएल ऑक्शन 21 लैंग्वेजेस में स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स ने सीरीज को लेकर आईपीएल ऑक्शन को लेकर अपनी तरफ से यहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज को देख सकते हो, आईपीएल ऑक्शन को देख सकते हो। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप आईपीएल ऑक्शन और इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज आखिर कौन सी लैंग्वेज में देखोगे, और आप कौन से कमेंटेटर को सबसे अधिक पसंद करते हो, आप अपने फेवरेट कमेंटेटर का नाम कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।